ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, कल जो थ्योरी पढ़ी थी उसके आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टेन थीटा बराबर दे रखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ 3/4, ठीक, क्या दे रखा हुआ 3/4, और आपसे पूछा जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, या इसे पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि भैया टैन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार, क्या यही बताया था क्या? देखो जरा लाल बटे कक्का सा, तुरंत देखो पीछे, देखो कॉपी पे आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक, जिससे आप लोग रिवाइजन करें कभी, रिवाइज करें या रिवीजन करें कभी, तो आपको हमेशा नोट्स देखना पड़े ना कि वीडियोस। वीडियोस आप लोग बार बार देखेंगे, बार बार आपका टाइम खराब होगा, एक बार देखो दो बार देखो बस, इससे ज़्यादा बार नहीं देखो, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक, साइन थीटा बराबर दे रखा हो 3/4, अब साइन थीटा निकालना है तो आपको पता होगा लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का से, है ना, या भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही होता है क्या, यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखो 3/4 दे रखा हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तुरंत इसको थीटा मान लो, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा भैया 4, और इसका इसका रेशियो आप जैसे निकालेंगे यहाँ आ जाएगा 5, कैसे आए देखो, मैंने बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप इसे ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 25। यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है कि 25 को कैसे बाहर निकाला जाए, या कोई बड़ी संख्या आ जाती तब दिक्कत होती है, 25 को तो आपको पता होता है, डाटा होता है कि 5 होता है, लेकिन आपको दिक्कत होती है जैसे मान लो यहाँ कोई बड़ी संख्या लिख दी गई तो आप लोग कहेंगे अरे ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसके हम लोग क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो हम लोग कितना निकालेंगे, दो दो के फैक्टर बनाएंगे, मतलब दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे और बाहर हो जाएगा, जैसे 5 × 5, तो ये जैसे दो जोड़ा बन गया, यानी कि एक जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, यानी एक बन के आ जाएगा, यानी 5 बाहर आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ गया 5, देखो वही लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल वही लिखा हुआ। अब चाहे कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आप बता जाए, बता ले जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये बेसिक है भैया, परेशान ना होइएगा कि इतना बेसिक पढ़ा रही है हमको आता है, नहीं तो बेसिक पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक बेसिक नहीं पता होगा आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हमारे हिसाब से आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, हम अपने हिसाब से लेकर चलेंगे भैया, जो लोग ज़्यादा नेतागिरी करते हैं मान लो, वो उनके लिए चैनल नहीं है कि अरे क्या पढ़ा रही है सब उनको आता है, तो ऐसा नहीं है, सब आपको आता है वहीं से आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा जो हमको भी नहीं आता होगा, इसी बात नहीं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है। ठीक, तो सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, जैसे आप सोचेंगे कि अरे हमको सब कुछ आता था, वहीं से सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उसको बनाए रखने के लिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब ये हुआ आधार, ये 4/5, अरे बताया था ना पिछली क्लास में, बताया था ना मैंने, क्या बताया था, ये क्या होता है लंब होता है ना, ये तो बताया था परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है यानी आधार होता है, बताया था ना भैया, याद होगा आपको कर्ण, बताया था ना भैया, बिल्कुल बताया। ठीक, और यहाँ से निकाल देते हैं, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये क्या होता है कॉट, ये सेक, और ये कॉसेक, भाई बताया था ना वही है और थोड़ी ना कोई चीज़ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लगा दो जल्दी से, 3/5 − 4/5 बराबर −1/5, यहाँ देख लेते क्या होगा 3 का स्क्वायर, भाई देखो 3/5 रखेंगे आप, इसको स्क्वायर करेंगे, ये इसका आंसर, सॉरी ये इसका आंसर यहाँ है, ठीक, और इसका आंसर ये, तो हम लोग देते 3/5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालोगे आप लोग क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25 −16/25, है बात कि नहीं, अब 25 एलसीएम ले लेंगे इधर जाएगा 9 − 16 के, है ना, तो 7 − 7/25 ऐसा आंसर आ जाएगा आप लोग, बात समझ में, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भी देखो क्वेश्चन यहाँ पे रखूँ तो पहले आप लोग खुद से कोशिश करिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, करने की कोशिश करें जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस, अगर कर लेगा सही हुआ
तो कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ जाएगा आप लोग को, अरे ये तो आ रहा अनुभव, वाह भाई वाह, तो हम भी ये सोचेंगे हाँ हम पढ़ा लेते हैं, ठीक आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे रखा हुआ है टैन थीटा बराबर अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ऐसे ही चला गया आनंद तक यानी इनफाइनाइट तक, है ना। तो अब तुमसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लो कॉस थीटा पूछे क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है भैया, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो उसको देखना है। टैन थीटा बराबर, ये पहले इसको सॉल्व किया जाए, ये कैसे सॉल्व होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे अंडर रूट सिक्स प्लस सिक्स, ठीक ऐसे करते चले जाएंगे, जा रहा तो ये क्या मान लेंगे सिक्स प्लस एक्स, है ना, इधर मान लिया एक्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से निकालेंगे द्विघात समीकरण बनेगी, क्या बनेगी द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स प्लस एक्स, ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस एक्स बराबर जीरो, यहाँ से द्विघात समीकरण बना के आप लोग करेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया, आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ फैक्टर बनेगा दो और तीन का, है ना, यही तो बनेगा भैया, ऐसे बनाओगे माइनस थ्री इंटू टू, तभी माइनस का आएगा और यहाँ पे माइनस करेगा तो ये थ्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहे बेसिक से करिए और चाहे इसका एक जब अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप लोगों को कि ये कैसे होता है, है ना, क्या होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग जानते ही होंगे, क्या जानते होंगे कि इनका ऐसा फैक्टर करो कि इनके बीच क्या हो एक का गैप आए, किसका गैप आए एक का गैप आए, टू और थ्री, देखो एक का गैप है क्या, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो लिखा हो वही आए, ठीक जैसे लिखा हो अंडर रूट बारह प्लस अंडर रूट बारह प्लस अंडर रूट बारह डट 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 ऐसे नॉट डिफाइन तक सॉरी इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक। तो इसके हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका गैप कितना हो एक हो और गुणा करने क्या आ रहा हो बारह आ रहा हो, यानी चार गुणे तीन, और अगर प्लस लगा हुआ हो, अगर क्या लगा हो प्लस लगा हुआ हो तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है, ये जैसे चार हो जाएगा इसका आंसर तीन हो जाएगा, ठीक बात सुन गई, ये था हमारा कहने का मतलब। इसे मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस लगा होता तो छोटा वाला आंसर था, सिंपल माइनस लगा तो छोटा वाला आंसर हो जाता, दो आंसर हो जाता, यहाँ तीन हो जाता, क्यों होता है ऐसा ये हम अलजेब्रा में बताएंगे, है ना, यहाँ पर बताने वाली चीज नहीं, ठीक। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे क्या दे रखा हुआ, अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। तो इसका आंसर मैंने कितना बताया तीन आ रहा है ना। तो हम तुरंत क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या पूछा गया कॉस थीटा पूछा गया बराबर क्या होगा, तो जैसे ही कॉस थीटा पूछा गया आप क्या करेंगे तुरंत ट्रायंगल खींचेंगे, राइट एंगल, कैसा राइट एंगल, छोटा है क्या बड़ा, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये भैया कितना होगा बताओ, कितना होता भैया, मैंने बताया था परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है टैन थीटा होता है, या आप कह सकते हैं लंब बटे आधार, इसको एक मान लेंगे, है ना, तो थ्री अपॉन वन। अब चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। तो आपको कर्ण पता नहीं तो कॉस थीटा पता नहीं कर सकते, इस वजह से आपको कर्ण पता करना पड़ेगा, यानी कर्ण पता करना पड़ेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण पता करना, इसको हटा दो यहाँ से अंडर रूट चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर बोलो भाई, थ्री स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर बोलो नौ प्लस वन का स्क्वायर यानी वन ही होगा, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट टेन। अब कैसे निकाला जाए इसको, ठीक अंडर रूट टेन को हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक पाँच गुड़े दो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही रहने दो, थ्री का स्क्वायर नौ एक दस अंडर रूट टेन ले सकते हैं। आधार बटे कर्ण कितना आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार कितना भैया बोलो एक अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ कितना निकालो भाई अंडर रूट टेन यानी वन अपॉन रूट टेन इसका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या अलजेब्रा का भी है और ट्रिग्नोमेट्री का भी है, ठीक तो दोनों जगह से क्वेश्चन मैच करके देता है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना ये चीज़ें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस पर बेस जो कल थ्योरी पढ़ी थी उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि जरूरी, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे थ्योरी पढ़े रहोगे भैया कोई मतलब नहीं उसका, पढ़े रहो वो तो फिर एक जैसे इतिहास हो गया,
इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी वगैरह हो गई, ऐसे ही पढ़ते रहो, क्वेश्चन नंबर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। इस वजह से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक, इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ, सेम है, टाइम थीटा बराबर फोर दे रखा हुआ, पूछा गया है सेवन साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा अपॉन क्या दे रखा हुआ, सेवन साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, ठीक, ये दे रखा हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक। तो अपना एक अप्रोच हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है कि सबसे पहले इसको इधर कर ले और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाले और यहाँ पुट कर दे, यही तो करोगे आप लोग, क्या करोगे, टेन थीटा बराबर फोर बाई सेवन करोगे, यहाँ से डालोगे क्या, तुरंत ट्रेंगल खींचोगे, ट्रेंगल बनाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा फोर, ये कितना हो जाएगा सेवन, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, यही तो करोगे भाई, देखो फाइव का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, देखो यहाँ रखोगे सात का स्क्वायर उनचास हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन, प्लस चार का स्क्वायर सोलह, यही होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप स्क्वायर हटा दो अंडर रूट लगा दो, ये हो जाएगा नौ छः पंद्रह की पाँच, हासिल किया एक चार एक पाँच एक छः, कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव, कर्ण बराबर अंडर रूट सिक्सटी फाइव आएगा, यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा, ठीक। अब आपसे वैल्यू ये पूछी जाएगी, ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट सिक्सटी फाइव, यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी चार बटे अंडर रूट सिक्सटी फाइव, कॉस थीटा बराबर क्या रखेंगे, सेवन अपॉन रूट सिक्सटी फाइव, क्यों, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, और आधार हमारा सेवन दे रखा हुआ है और कर्ण हमारा सिक्सटी फाइव दे रखा हुआ है। एक तो ये अप्रोच हो गया कि आप इससे जाए यहाँ पे वैल्यू रखें करते रहे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से हम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। अब वो इंटर वाले बच्चे नहीं रहे कि जो है वही अप्रोच लगाते रहे बेसिक बेसिक, थोड़ा कुछ मज़ा लाते हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो जब मैं कहूँ क्या कर सकते हैं, तो आप लोग सोचें कि अरे इसमें और क्या हो सकता है, ये नहीं लगा सकते तो फिर क्या लगाएंगे, तो देखो ये तो लिखना ही लिखना है, टेन थीटा बराबर फोर पा सेवन, अब क्या करेंगे, यहाँ दिमाग लगाओ कि टेन थीटा बना लिया जाए यहाँ पे, है ना, टेन थीटा कैसे बनेगा, मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बताया था मैंने पिछले वीडियो में, मैंने बताया था, अब ऐसे क्या करें यहाँ पे टेन थीटा बन जाए, यानी देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, कॉस थीटा का डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, तो सेवन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन इंटू थ्री कर देंगे तो थ्री हो जाएगा अपॉन सेवन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस थ्री हो जाएगा, क्या यही होगा क्या, यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। अब देखो कॉस थीटा कहाँ चला गया, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कॉस थीटा कहाँ गायब कर दिए, तो भैया कॉस थीटा क्या किया है, कॉमन लिया, क्या लिया है, कॉमन लिया, ये सी ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, बात समझ आई भैया, समझ में आया था, बोलो हाँ समझ में आया, वहाँ बैठे बैठे बोलो हाँ समझ में आया, ठीक। तो ये बन गया क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेवन टेन थीटा माइनस थ्री अपॉन सेवन टेन थीटा प्लस थ्री, जल्दी से यहाँ चार बटे सात, चार बटे सात रख दो टेन थीटा की वैल्यू, सेवन इंटू फोर अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन सेवन इंटू फोर अपॉन सेवन प्लस थ्री, ये सेवन से सेवन कट गया, ये सेवन से सेवन कट गया, चार में से तीन गए एक, बहुत बढ़िया, चार प्लस तीन सात, ये आपका आंसर होगा, ठीक। मान लो ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते नेक्स्ट कैसे करते, जिनको ना समझ में आया वो पीछे जाए, जल्दी से देख सकते क्या किया गया, है ना। देखो जब भी ऐसे दे रखा हो, टेन थीटा बराबर इसको इधर भेज सकते हैं ना भैया, फोर अपॉन सेवन हो जाएगा, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका तीसरा मेथड है भैया, पहला मेथड बताया मैंने बेसिक अप्रोच, दूसरा मैंने बताया कि इसको भाग दे दे, और तीसरा मेथड ये एक क्वेश्चन को करने के लिए तीसरा मेथड,
ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 110%। ऐसे एनडीए में क्वेश्चन आ जाते हैं, एनडीए में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ तक कि एसएससी में भी आ जाता है सीजीएल वगैरह में। ठीक, सीजीएल में नहीं आएगा तो पक्का 10 MTS में आ सकता है या 10+2 में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 110%। आप लोग जाइएगा प्रीवियस ईयर में देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आए हुए, ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं। ये कोई फरेब नहीं है कि पता लगे आप लोग देख रहे हैं फर्जी बता रहे हैं ये कहाँ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4/7 ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, मैंने बताया था ना कि टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा होता है ना। तो ठीक है, हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे रख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू 4, कॉस थीटा का वैल्यू 7। देखो जरा यहाँ रखो, जरा 4 × 7 = 28 माइनस 3 × 7 = 21 7 × 28 + 3 × 7 = 21 बराबर कितना आएगा भैया 7/8 = 9 = 49 = 1/7। क्या यही आंसर आ रहा था क्या? बिल्कुल, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो ये कैसे कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 4 रख दिया और कॉस थीटा का वैल्यू 7 रख दिया, ये क्या है, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, तो क्या होता भैया, जब भी आप देखो कि साइन थीटा टैन थीटा बराबर दे रखा हुआ और साइन थीटा और कॉस थीटा इधर दे रखा हुआ है और इनकी पावर, इनकी क्या पावर यानी डिग्री, डिग्री अगर सेम है तो ऐसा आप लोग रख सकते हैं। देखो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण, ये एक ट्रिक भी समझ सकते हैं कि ऐसी ट्रिक है, बात समझ नहीं आपको, नहीं समझ में। मैंने कहा जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिखा होता 7 sin² θ - 3 cos² θ / लिखा होता 7 sin θ + 3 cos θ, उसके बाद आप यहाँ पे लिखा होता tan θ = 4/7 और साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे 4 रख देते और कॉस थीटा का वैल्यू 7 रख देते तो गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा होना चाहिए तभी ये सही होगा, अन्यथा आंसर आपका गलत आएगा। बात समझे, ये एक प्रकार से आप ट्रिक समझ सकते हैं, ये ट्रिक है। बात समझे कि यहाँ भी डिग्री सेम होनी चाहिए, यहाँ भी डिग्री सेम होनी चाहिए, यहाँ भी डिग्री सेम होनी चाहिए, यहाँ भी डिग्री सेम होनी चाहिए तभी आप इसको डायरेक्ट मेथड से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसको आप देखिएगा। देखो 1/7 आंसर आ रहा है ना, आगे देखते हैं। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सभी बच्चों को। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा। देखिए नंबर्स में गलती हो सकती है कि मैं बोल दूँ दूसरा है, आप कहें नहीं तीसरा क्वेश्चन बता रहे, मैं कहूँ पहला है, हो सके दो तीन पहले बता चुके हो, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा प्लीज़। ठीक, देखते हैं ये क्वेश्चन आया, आप करने की कोशिश करिए, इसको पॉज करिए, उसके बाद करने की कोशिश करिए। 3 मेथड बताए, कोई भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे फर्स्ट अप्रोच, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे एग्जाम में। ठीक, आपको विश्वास हो तो आपको मैं दिखा दूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो पूछा गया SSC और इसमें RRC वगैरह में पूछा गया, रेलवे वगैरह में पूछा गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, तो हम देखते हैं क्या होता है भाई। पहला अप्रोच तो वही बेसिक वाला, टैन थीटा बराबर 4/5 बेसिक लगाओगे, पहला अप्रोच जो मैं बता चुका हूँ। ठीक, क्या करोगे, बेसिक लगाओगे, कर्ण निकालोगे, रखोगे वैल्यू। दूसरा अप्रोच कॉस थीटा का भाग दे दोगे, या फिर क्या कर दोगे काम ले, चाहे भाग दे चाहे काम, बात एक ही दिमाग में आना चाहिए आपके। ठीक, और तीसरा अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसको आपको ध्यान से देखना है। टैन थीटा बराबर देखा हुआ 4/5, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, बराबर हो जाएगा 4/5, ये 4 और ये 5। आप इससे मुंह जवानी आंसर बता सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 4 होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 5 होगी, 4 × 5 = 20 माइनस 5 × 15 बहुत बढ़िया, और 4 × 5 = 20 + 15 और कितना आएगा 5/20 + 15 निकालोगे कितना हो जाएगा 35 = 1/7। अब ये मत सोचिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन का 1/7 आंसर आ रहा है तो इसका भी 1/7 आंसर आ, ये क्या मतलब हुआ, नहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं मतलब। ठीक, हो सकता है आ गया वो आंसर एक ही सर, तो देखो इसमें कहीं ऑप्शन में दे रखा हो, देखो 20 दे रखा हो। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, मुंह जवानी कर सकते थे,
5 sin थीटा - 3 cos थीटा, 5 sin थीटा + 3 cos थीटा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े नंबर मिल जाते हैं आपको, है ना। तो 5 देखो sin थीटा वैल्यू कितनी, 4 4 5 20, cos थीटा वैल्यू 5 माइनस 15, 5 3 15, इधर 20 प्लस 15 35 हो गया, उधर कितना हो गया, मुझे जवानी कर लिया आप लोगों ने, ठीक। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी पे बेस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे हम देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ठीक। क्वेश्चन याद नहीं रहता ना भैया, अब याद कितना क्वेश्चन याद करेगा, ये वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन, देखना पड़ता है ना, किसी न किसी थ्रू से देखना पड़ेगा। जैसे कि दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ, tan थीटा बराबर 1/√7, दे रखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन, दे रखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखो ये फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, देखिए एक cosec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको मत समझिएगा, इसको फ्रेम में ले लीजिएगा, ठीक। देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, cosec स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक, फ्रेम में ले लिया करो भैया, मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। cosec स्क्वायर थीटा, इसको फ्रेम में ले लो, है ना, हो सकता है कभी कभी cos ऐसे लिख देते, ये देखो cos लिखा हुआ ऐसे लिख देते, आप समझ जाएंगे ये cos है, ठीक है, ध्यान नहीं रहता कि ऐसे लिखा रहा है, ठीक, आदत नहीं है, बहुत दिनों का छूट गया था। cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक, ऐसे नहीं रखा हुआ, तो इसकी वैल्यू पूछेंगे, पहले तो हम ऑप्शन दे देते हैं, आप इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक। पहला ऑप्शन है -3/4, दूसरा ऑप्शन है -2/3, ठीक, तीसरा ऑप्शन है 2/3, और चौथा ऑप्शन है कौन सा है 3/4, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब इसको करने का अप्रोच क्या हो सकता है, वही cosec थीटा निकालो और फिर जो है sec थीटा निकालो, ये बेसिक अप्रोच है, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर क्या करोगे भाई, निकालोगे और क्या, इसमें तो tan थीटा बना नहीं पाओगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, इसको पहला मैथड तो आपको पता होगा ना भैया, बेसिक कि निकालो जाके कर्ण निकालो, दे रखा हुआ है लंब बटे आधार, दे रखा हुआ है कर्ण निकालो जाके, उससे करो जाके, उससे नहीं करना हम लोग, क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, कैसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, 1/ sin स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/ cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था, क्या बताया था, sin थीटा बराबर 1/ cosec थीटा हो, भैया ये cosec थीटा लिखा हो, फिर से लिख दे cosec थीटा लिखा हो, ठीक, cos थीटा बराबर होता है 1/ sec थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दोनों पर छोड़ो, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ जाओ, तो वही चीज़ है ना भाई, जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं आती, तो बताना पड़ता है, 1/ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/ कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे है ना, और इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, इनको एलसीएम नहीं लेना आता, उनको बता रहे कि इनका आपस में गुणा हो जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, जो बीच में चिन्ह लगा होता है वही लगा देते हैं, ठीक, प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये से ये कट जाएगा, है ना, आप जानते होंगे एक्स अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन वाई लिखा हुआ, तो ये वाई वाई कट जाएगा, है ना, बात समझ में, कैसे कटता है, एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन वाई, तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, तो जैसे ही ऊपर आएगा एक्स इंटू वाई होगा अपॉन क्या होगा, वाई इंटू जेड होगा, तो ये वाई से वाई कट जाएगा, है ना, दिख रहा होगा वहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग ऐसे ही कटेगा, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारे पास दो मेथड, कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे वन रख दे, यहाँ पे एंगल दे रखा हो, यहाँ वन नहीं रखोगे आप, तो आप लोगों ने देखा कि भैया अपॉन है, दिख रहा होगा ना, ये अपॉन, ठीक,
कॉस स्क्वायर थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल पे दे रखा हुआ वन अपॉन रूट सेवन, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक भी नहीं किया हुआ, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे क्या रखेंगे यहाँ पे, रखो चाहे साइन थीटा कॉस थीटा वाले को, वो नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? तुमको बताया गया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वन अपॉन रूट सेवन, यानी कॉस थीटा वैल्यू रूट सेवन और साइन थीटा वैल्यू वन यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखो सेम है, यहाँ भी स्क्वायर दे रखा हुआ, यहाँ भी स्क्वायर दे रखा हुआ है, तो आप रख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक, तो साइन थीटा वैल्यू जैसे ही वन रखेंगे माइनस वन, रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे क्या है, रूट सेवन इंटू रूट सेवन, भाई क्या है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। अपॉन क्या होगा बताओ, दिख रहा होगा ना नीचे, है ना, दिख रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा बोलो, सात में से एक क्या कितना हो जाएगा बोलो, छः। जब मैं कहूँ बोलो तो आप लोग को वहाँ बोलना है, ठीक है, छः अपॉन आठ, ठीक, तो जैसे दो तेईस छः, दो चौको आठ, कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर, देखो किसी ऑप्शन में दे रखा हुआ क्या, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन के तीन मेथड बताया है, जो भी आपको पसंद आए उसमें से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन कोई करते हैं, बहुत से क्वेश्चन हो गए है ना, आप थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपने देखा होगा सही है कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कौन सा, ए साइन थीटा बराबर बी साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा बराबर बी दे रखा हुआ, तो पूछा जाता है कि बताइए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ये पूछा जा चुका है तो रट लेते हैं डायरेक्ट इसका आंसर, क्या रट लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा कि मुझे रटा हुआ है। ठीक, तो ऐसे रट लेते लोग, है ना, रटना नहीं है आप लोग, कितनी चीज़ें रटेंगे, आपके पास संसार हो जाएगा पूरा रटने के लिए, तो संसार को नहीं रट सकते आप, उसको समझ के पढ़िए तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, समझना है ना कि रटना है। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो रटेंगे, मान लो सब चीज़ मैथ में ही रट लिया, तो फिर जियोग्राफी किस चीज़ के लिए, फिर हिस्ट्री किस चीज़ के लिए बनी हुई, क्या वो वहाँ समझने के लिए बनी हुई, नहीं, रटने के लिए बनी हुई, तो रटने के लिए मैथ नहीं, ठीक, समझने के लिए। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं बी अपॉन ए, ये इधर चला जाएगा ना भैया, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कैसे आंसर आएगा, कॉस थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा वैल्यू बी, ये हो जाएगा, यहाँ रखें जैसे बी इंटू बी माइनस ए इंटू ए अपॉन बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, कैसे सर ये कैसे हो गया, दिमाग में आना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा क्या, देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर बी अपॉन ए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमें लगता है कि शायद हम ज़्यादा तेज बोल रहे होंगे, इस वजह से थोड़ा आराम से लेके चलते हैं ना, ज़्यादा तेज में नहीं लेके चलते, ज़्यादा रेलगाड़ी जो तेज होती है वो कभी कभी पटरी पे उतर पड़ती है, पटरी से उतर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से पटरी से नहीं उतरना है, पटरी पर सीधे चलते रहना है। ठीक, ज़्यादा तेज ना लेकर चल के हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, कहते नहीं कछुआ की चाल चलो सफलता जरूर मिलेगी, तो हम लोग शायद थोड़ी देर पहले खरगोश की चाल चल चुके थे और वो पटरी से उतरने वाली थी लेकिन बच गए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कैसे होगा भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए, साइन थीटा वैल्यू हो जाएगी बी, कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगी ए, तो ये बी इंटू बी कैसे आया, साइन थीटा वैल्यू कितना रख दिया, बी रख दिया, यहाँ साइन थीटा जहाँ जहाँ होगा वहाँ बी रख देंगे, जहाँ जहाँ कॉस थीटा होगा वहाँ क्या रखेंगे, आप लोग बोला करिए ए रखेंगे, है ना, ए रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास रखा गया, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है, चार पाँच छः जो भी हो आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक,
भाई नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना है, बार बार टाइम नहीं खराब करना है। एक दो बार देख लिया मतलब बहुत बार हो गया, ठीक। तो बार बार टाइम नहीं बर्बाद करना, ठीक। इस वजह से हम लोग नोट्स बनाते साथ में बनाते चलेंगे, इससे क्या होगा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, बार बार वीडियो नहीं देखना होगा, बार बार डाटा नहीं खर्चा करना होगा, क्योंकि डाटा बार बार खर्चा करेंगे तो भी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग फिल्म बहुत देखते हैं ना, पिक्चर जिसे पिक्चर कहते हैं फिल्म, है ना। तो फिल्म तो साथ चलेगी ही चलेगी, और ये वाली फिल्म भी साथ चलेगी, मैथ वाली फिल्म, ठीक। तो मैथ वाली फिल्म को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आया लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। वाह भाई भाई, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, साइन थीटा बराबर एक्स और कॉस थीटा बराबर वाई, एक्स माइनस वाई। अरे इनको ऑप्शन भी दिख गया, पहला ऑप्शन, अरे ठीक लगा के चले आए घर में, बाद में आए सभी लोग कहने लगे अरे आंसर की देखा ये गलत कैसे हो गया, सर ने तो यही बताया था कि अगर ऐसा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर ही रख देंगे और आंसर आ जाएगा। आप लोग लगा के चले आए, बड़े खुश बाहर निकले, किसी दोस्त से मिले तो उसने कहा नहीं यार ये ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा था, कोई दूसरा ऑप्शन उसने बता दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो लगाया यही होगा आंसर, आप उससे बहस भी करने लगे, हो सकता है वो सही हो। तो देखो ये नहीं करना है, है ना, ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि डिग्री सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ अपान में कुछ लिखा होना चाहिए, यानी ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा होता तब आपका आंसर होता एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, ये आंसर होता अगर ऐसा लिखा होता तो। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, हमसे पूछा गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई, ना कि सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई, हमसे पूछी गई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे ही सामने नहीं रख देते आप लोग, जैसे साइन थीटा की वैल्यू एक्स हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू वाई हो जाएगी, ऐसे नहीं रखना है। कैसे रखना है, फिर आपको क्या लगाना होगा, वही बेसिक अप्रोच है ना, ये होता है एक्स अपॉन वाई, क्यों, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे दे रखा हुआ एक्स अपॉन वाई, और भैया लाल बटे कक्का से निकाल दो क्या होता है, लंबटे आधा, लंबटे आधा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण, और चूंकि कर्ण हमको पता नहीं, इस वजह से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस वजह से बता रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कॉट थीटा हुआ निकालना, फिर भी कर्ण निकाले पड़े, फिर भी कर्ण निकाले पड़े, जबकि उनको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि होता है वो आधार बटे लंब होता है वाई अपॉन एक्स, इस वजह से बता रहे हैं, क्योंकि ये याद होनी चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, तो हम लोग को साइन थीटा निकालना है और माइनस कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लें, माइनस कर दें आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे निकालें, कर्ण इसको मान लो तो कर्ण, ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को समझ में आया हो कहाँ से आ गया, फिर से देख लेते, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है क्या, यही होता है, कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा। अब आधार हमारा कितना दे रखा हो, वाई, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर होगा क्या, और एक्स का स्क्वायर करोगे यानी लंब का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट बराबर कर्ण, तो कर्ण क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। अब यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी एक्स बटा एक्स स्क्वायर, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये भी अंडर रूट में लगेगा ना भैया, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, तो यानी वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही होगा ना भैया, जी बिल्कुल, एलसीएम ले लेंगे दोनों में सेम है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर, देखो ऑप्शन नंबर कौन पे है, तीन नंबर पे ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो एक बार पीछे जाइए और देखिए। तो आप लोगों ने देखा ये हमारा जो बेसिक था उसके क्वेश्चन कर लिए, और जो थ्योरी पढ़ी थी उसके क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे। और जो है अब लोग थोड़ा देखिए, ये हमारा हक है कि हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।
ठीक, ये हमारा हक है, ये अपना मेरा भाई हक है भाई, क्यों हक है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी टाइम इसमें लगा रहे हैं, तो ये हमारा हक है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैंने कभी बीच में कोशिश नहीं की, बीच में बताऊं कि सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या इसको शेयर करिए, क्यों नहीं कहा, क्योंकि पढ़ाई करते समय हम लोग ये सब बातें नहीं करेंगे, ठीक, कभी नहीं करेंगे ये सब बातें, ये बात में कुछ बातें करेंगे ठीक है, जो अपने मतलब की होंगी। भाई देखिए आप सब्सक्राइब करते तो आपको मैं और अच्छे से हमको भी अच्छा लगेगा, हाँ चलो सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ लाइक भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करते रहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, उनको सिर्फ अंगूठा डालने में दिक्कत होती है, अंगूठा लगा दो भैया, आजकल आधार में भी अंगूठा चल रहा है, जबकि आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।